और किसानों को रखने में असुविधा हो रही है, जब अगर बारिश हो जाए तो धान यहाँ बर्बाद हो जाएगा। जो गाइडलाइन दी जाती है और जिसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं, लेकिन सर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए उस चीज को, तो ना सर हमारे पास परिवहन की सुविधा है। सेवा सहकारी समिति भोरगढ़ द्वारा संचालित धान उपार्जन केंद्र क्रमांक 1 में धान ला रहे किसान डरे हुए हैं। किसानों को डर है कि मौसम इन दिनों जिस तरह बदल रहा है, कहीं इसके चलते बारिश से केंद्र में डंप उनका धान बर्बाद ना हो जाए। यहाँ समस्या है, माल उठाव नहीं हो रहा है। अच्छा, डंप हुआ है तो किसानों को धान रखने की व्यवस्था समस्या है कि रखने की जगह नहीं है। डंप हो रहा है तो उठाव होना चाहिए, पानी आ जाएगा तो असुविधा हो जाएगी किसानों को, माल सब बाहर। इधर केंद्र के प्रभारी सुनील नकपुरे खुद को असहाय बताते हैं। उन्होंने बताया कि खरीदी केंद्र में किसानों द्वारा लाया गया लगभग 5000 क्विंटल धान डंप है। शासन के नियमानुसार 7 दिनों के भीतर परिवहन सुनिश्चित किया जाता है, लेकिन आज दिनांक तक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। समस्या बहुत सारी से शासन ने जो हमारे साथ में जब हम लोग का मीटिंग होता है तो बड़ी बहुत सारी बातें बताई जाती है हम लोग को कि हम परिवहन 7 दिन के अंदर उठाव कर लेंगे, बारदाने का तकलीफ नहीं होएगा, है ना। और बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती है हमको, जो गाइडलाइन दी जाती है और जिसके ऊपर में हम लोग काम करते हैं, लेकिन सर जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए उस चीज़ को, तो ना सर हमारे पास परिवहन की सुविधा है, क्योंकि सर नियम के हिसाब से 7 दिन के अंदर में परिवहन होना चाहिए, लेकिन सर आज तारीख तक मेरे पास केवल 433 क्विंटल माल भर परिवहन हुआ है। हाँ सर, 433 क्विंटल माल परिवहन हुआ है, 1082 बोरा। तो आसम मौसम कहीं कम कहीं ज़्यादा होते जा रहा है, तो सर इस कारण भी हम लोग को खरीदी करने में दिक्कत हो रही है। और सर किसान भी परेशान हो, और सर किसान लोग भी बहुत परेशान है, क्योंकि सर मेरे पास परिसर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सर मैं इतने बड़े परिसर में खरीदी सीमित परिसर में ही खरीदी कर पाऊँगा, ताकि मेरा व्यवस्था भी हो जाए, मेरी देख रेख भी हो जाए, लेकिन सर उसके हिसाब से मुझे परिवहन नहीं हो पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। बताया जा रहा है संबंधित विभाग द्वारा परिवहन हेतु अभी तक कोई टेंडर ही नहीं हुआ है, जिससे किसान परेशान है। और सर अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि मिलर्स को धान डायरेक्ट दी जाएगी, लेकिन सर मिलर्स कब उठाएंगे ये तो भविष्य में पता चलेगा सर कि कब उठाते। इधर किसानों ने साफ कह दिया है कि अगर मौसम से धान खराब हुआ तो इसके लिए शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। और किसानों को रखने में असुविधा हो रही है, जब अगर बारिश हो जाए तो धान यहाँ बर्बाद हो जाएगा। सर समिति तो अब जितना व्यवस्था कर पा रही उतना तो कर रही है, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था करे हमने, लेकिन सर उतना हम नहीं ढक पाएंगे जितना हमारे पास डंप है। तो सर इसमें अगर माल की खराबी होती तो शासन प्रशासन इसके जवाबदार रहेंगे। सभी किसानों ने जल्द से जल्द धान बोरों का परिवहन करने की मांग की है। बालाघाट से समित देड़े के साथ सुशील श्रीवास की रिपोर्ट।